بسم الله الرحمن الرحيم الله जब सांस लूं मैं हो जाए जारी अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। बनाऊंगा अपने नफ्स सरकश को अब तो यारब गुलाम तेरा, मैं छोड़ कर कारोबार सारे करूंगा हर वक्त काम तेरा, किया करूंगा बस अब इलाही जिक्र ही सुबह और शाम तेरा। إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون। तारीफ व तौसीफ हमदो सताइश बुजुर्गी और किबरियाई उस वादा उला शरीक के लिए जो यकोतनहा इस कायनात का खालिक व मालिक है, और उसके बाद अनगिनत बेशुमार दुरूद व सलाम सबसे आखिरी नबी सैयदुल मुरसलीन शाफी महशर साकी कौसर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आल मोहम्मद كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما। आज के इस जुमा में उनवान जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है 500 और 1000 के नोट का बंद होना और हम मुसलमान। एक बहुत बड़ा मसाला जिससे अमीर हो गरीब हो नौकरी वाला हो या बिजनेस वाला हो, सारे के सारे इस मसले से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मेरा मकसद यहां पर कोई सियासी तकरीर करना नहीं कि 500 का नोट बंद क्यों किया गया, इसके पीछे मकसद क्या है, किन लोगों की ब्लैक मनी को व्हाइट करना है, ये इसके पहले क्या क्या प्लानिंग की गई, किस तरीके से लोगों के पैसे को पहले इस्तेमाल करवा दिया गया, और असल परेशान होने वाले इसमें कौन है, ये सारे सियासी मसाइल। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते कुरान और हदीस को पढ़ने और समझने वाले और हमारा अमल के हम लोगों में कुरान हदीस को फैलाते हैं, इस नाते एक मुसलमान की एक आलिम की और एक दाई की जिम्मेदारी होती है कि जो उनवान समाज के अंदर ज्यादा चल रहा हो उस पर बयान होना चाहिए, जिस चीज को लोग ज्यादा गौर से देख रहे हो उसको इस्लामिक नुक्ते नजर से निकाला जाए कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। यह एक मुसलमान होने के नाते मैं इन तमाम मसाइल के अंदर क्या सीख और क्या समझ सकता हूं, इसलिए मैंने इस उनवान को आखिरत और दीन से जोड़ने की कोशिश की। 8 नवंबर के दिन आम दिनों की तरह हमारा दिन है, 8 बजे के वक्त वजीर आजम की तरफ से एक ऐलान आता है कि आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 का नोट इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा।
अब इन दोनों नोटों को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप या तो बैंक में ले जाकर जमा कर दीजिए, बैंक में अपने खातों में जमा कर दीजिए, या आपका पैसा आपको चेंज होकर मिल जाएगा। लेकिन आम जो आम जिंदगी के अंदर आप इन पैसों का इस्तेमाल करते थे, अब वो इस्तेमाल बंद हो जाएगा। अफरा तफरी का माहौल हो गया, चारों तरफ लोग परेशान हो गए। जो जितना जानने वाला था अपने से ऊपर वाले को फोन करके पूछने लगा कि अब क्या होगा, पैसे का क्या करूंगा, कल तक मेरी वो दौलत, मेरे वो 1500 के नोट की गड्डियां कि जब मैं अलमारी को खोलता और उसको देखता मुझे सुकून आ जाता था, अगर अचानक बीमारी आ गई नोट रखे हुए हैं, हज और उमरे का सफर आ गया नोट रखे हुए हैं, शादी आ गई नोट रखे हुए हैं, कोई भी परेशानी आ गई नोट रखे हुए हैं, घूमने जाने का प्लान हुआ कोई दिक्कत नहीं, बड़ा खर्चा छोटा खर्चा कुछ भी आ जाए, गोया के इस 8 तारीख की 8 बजे से पहले वो नोट जो मेरे सुकून का जरिया था अब मेरे टेंशन की वजह बन गया। अब मैं इसको कहां पर खपाऊंगा, इसको कहां ले जाकर लगाऊंगा, इसको कैसे चेंज कराऊंगा, चेंज करने का जरिया क्या होगा, कल तो बैंक भी बंद रहेगी, मैं अपने जरूरत के पैसे को इस्तेमाल कैसे करूंगा, सामान कैसे खरीदूंगा, अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा, रोजमर्रा के मामूलात पर अमल कैसे करूंगा। गोया के चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया, सवाल और जवाब चारों तरफ चलने लगे। जो सवाल उस दौर से लेकर आज तक, यानी 8 तारीख से लेकर आज तक, वो सारे सवालात जो हमारी जहनों के अंदर गर्दिश कर रहे थे या मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो सवालात लोगों के जहन में चल रहे थे और उनको बयान किया गया, उन कुछ सवालों को मैंने इस्लामिक एतबार से जमा किया कि उन सवालों का हम इस्लाम के अंदर जवाब ढूंढते हैं। क्योंकि एक मुसलमान अपने ऊपर आने वाली हर परेशानी, चाहे वो दुनियावी एतबार से बड़ी परेशानी हो या छोटी परेशानी हो, जब भी हम पर कोई परेशानी आती है हम किसी और पर इल्जाम नहीं देते, सबसे पहले अपने अमल को चेक करते हैं। क्योंकि इस परेशानी से सिर्फ मुसलमान परेशान नहीं है, ये एक आम मसाला है कि हिंदुस्तान का हर इंसान, वो किसी समाज का हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, हर इंसान परेशान है। लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से एक सवाल जो सारे लोगों के जहनों के अंदर गूंज रहा था कि पहले क्यों नहीं बताया गया। ऐलान किया 8 बजे और 12 बजे के बाद उसको इनवैलिड कर दिया, पहले क्यों नहीं बताया गया, अगर पहले बता दिया जाता तो मैं कुछ इंतजाम करके रखता, छोटे नोट जमा करके रखता, जरूरत का सामान को लाकर रखता, अपनी परेशानियों को आसान कर लेता। एक सवाल जो उस दिन सबसे ज्यादा आया वो यही कि पहले क्यों नहीं बताया गया। इस सवाल को अगर हम इस्लाम की नजर से देखें, हमारे सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कयामत का दिन रखा, हमें पैदा करने के पहले, इस कायनात के बनाने के पहले, आसमान और जमीन के बनाने के पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज को मुकद्दर कर दिया कि अल्लाह ताला ने जैसे तुम्हें पैदा किया, इस कायनात को पैदा किया, वैसे ही अल्लाह ताला इस कायनात को फना भी करने वाला है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल्जलाली वल इक्राम, सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि इस कायनात के अंदर जो भी पैदा हुआ उसे फना होना है, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। पहले क्यों नहीं बताया गया, पहले बताया जाता मैं तैयारी कर लेता। अल्लाह ताला ने कयामत का दिन पहले ही बता दिया, अभी हमारी तैयारी कितनी, 2 नोट बंद हो गए, उसके अलावा सारे नोट चालू है, 10 का 20 का 50 का 100 का सारे नोट चालू है। 2 नोट बंद होने पर मेरा यह सवाल कि पहले क्यों नहीं बताया गया, सोचो उस दिन जब कयामत कायम होगी, अगर मैं अल्लाह के सामने कहूंगा कि पहले क्यों नहीं बताया गया, तो अल्लाह कहेगा तुझे तो मैंने 1450 साल पहले जिस कुरान को नाजिल किया उसने बता दिया था कि कयामत का दिन आने वाला है, कयामत कायम होने वाली है, फैसले का दिन आने वाला है, तेरे अमल नामे तेरे सामने खोले जाएंगे, तेरा कोई अमल तुझसे छुपने वाला नहीं। अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया, वजीर आजम ने अचानक बताया हम परेशान, लेकिन वो अल्लाह ताला जो ऐसे न जाने कितने वजीर आजम, इस कायनात के बादशाह, इस कायनात के जवाबेरा, कि वो रब्बुल आलमीन कहता है कि कयामत के दिन मैं 7 आसमानों को, 7 जमीनों को अपने सीधे हाथ पर लपेट के अल्लाह ताला कहेगा अइनल मुलूक अइनल जवाबेरा, कहां है दुनिया के बादशाह, कहां है दुनिया में घमंड करने वाले, कहां है दुनिया में इतराने वाले, अनल मलिक मैं बादशाह हूं, बताओ आज कौन बादशाह है, मैं फैसला करने वाला हूं, बताओ आज कौन फैसला करने वाला है। उस दिन का मंजर और वो 8 तारीख का मंजर, दोनों कहीं ना कहीं कयामत जैसा उस दिन भी मंजर हो गया था, क्योंकि हम लोग दुनियादार हैं, हम लोग दुनिया के हरीस हैं, हम लोग दुनिया की मोहब्बत करने वाले हैं। एक चीज ये सवाल पैदा हुआ कि पहले क्यों नहीं बताया गया, मैंने इस सवाल का जवाब ये दिया कि कयामत के बारे में पहले बताया गया, हमने तैयारी कितनी की है,
हमने उसके बारे में गौर फिक्र कितना किया है कि वो तो कहने के बाद चार घंटे का टाइम दे दिया गया, अल्लाह ने तो पैदा करने के पहले बता दिया जब तक जिंदा है तब तक तैयारी कर, जब तक जिंदा है तब तक अमल कर, क्योंकि उस दिन जब मैं हिसाब लूंगा हिसाब लेने के वक्त अमल करने की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। तू कहेगा लौ अन्न लना करतन फनकूना मिनल मुमिनीन, जैसा कि लोगों ने कहा कि अगर थोड़ा टाइम मिलता हम पैसे को वाइट कर लेते, छोटा कर लेते। कयामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला करेगा, वो इंसान जो मुजरिम होगा, वो इंसान जिसने जुर्म किया होगा, रब्बुल आलमीन कुरान में जुमला नकल करता है कि जब अल्लाह जहन्नम में डालेगा ऐसे लोगों को जिनके आमाल खराब होंगे, यही जुमला उस दिन वो कहेगा कि लौ अन्न लना करतन फनकूना मिनल मुमिनीन, ए अल्लाह अगर एक बार दुनिया में लौटा दे मैं मोमिन बनकर तेरे सामने आऊंगा, एक बार मौका दे दे अल्लाह, एक बार मौका दे दे मैं मोमिन बनकर आऊंगा, नेक अमल करके आऊंगा। रब्बुल आलमीन कहता है कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, सुन लो हरगिज नहीं, वो तो एक बात है जो वो कहेगा लेकिन दुनिया में तुम्हें दोबारा लौटाया नहीं जाएगा। अल्लाह ताला इस दुनिया से जाने के बाद, मरने के बाद, फैसले के दिन के बाद तुम्हें दुनिया के अंदर लौटाने वाला नहीं। ये कहा गया कि पहले क्यों नहीं बताया गया, और अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत पहले बता दिया। दूसरा सवाल, हमारे वो नौजवान, हमारे वो बुजुर्ग, हमारी वो माएं बहनें जो अपनी खुशी गैरों में तलाश करते थे, कल तक गैरों में खुशी तलाश करना जो हमारे समाज का आम दस्तूर बन गया है। मैं अपने सगे भाई से बात नहीं करता लेकिन अपने दोस्त से बात करता हूं, मैं अपने मां बाप का इतना ख्याल नहीं रखता जितने अपने दोस्त के मां बाप का ख्याल रखता हूं, मैं अपने घर वालों पर इतनी तवज्जो नहीं देता जितने मैं अपने दोस्तों के ऊपर देता हूं। अमेरिका में मेरा दोस्त, लंदन में मेरा दोस्त, दुबई और कुवैत के अंदर मेरा दोस्त, मिनट मिनट की मुझे खबर होती है व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए, खाना खा लिया, हाँ खा लिया, ऑफिस में हूं, अब घर जा रहा हूं, ये करूंगा वो करूंगा, तबीयत खराब है दवाई ली के नहीं, यहां दिखाया कि नहीं, वहां किया कि नहीं, तेरी दवाई का टाइम हो गया दवाई ले ले। यानी वो दोस्त, वो हमारे लोग जो हमारे सगे रिश्तेदार नहीं, हमने उनको अपना बना रखा, उनकी चारों तरफ से फिक्र होती थी, हर वक्त उन पर तवज्जो देते थे और अपने घर वालों को छोड़ते थे। उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर कयामत का मंजर बताया। 8 तारीख के बाद से मुसलसल एक सवाल जो लोगों के जहन में आने लगा, या एक चीज जो लोग करने लगे, अपने दोस्तों को फोन करने लगे, भाई मेरे पास 5 लाख की पेमेंट पड़ी है, मैं अपने अकाउंट में तो 2.5 लाख की डिपॉजिट कर सकता हूं, 2.5 आपके अकाउंट में कर दूं, 1 लाख आपके अकाउंट के अंदर डाल दूं, 2 लाख को मेरे वाइट करवा दोगे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कयामत का मंजर हमें दोबारा नहीं दिखाया कि रब्बुल आलमीन कहता है कि कयामत के दिन ऐसा माहौल होगा, ऐसा मंजर होगा कि यौमैज़िन यफ़िर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिन मिन्हुम यौमैज़िन शानुन युग़नी। कयामत का दिन ऐसा दिन होगा, इतना हौलनाक दिन होगा कि उस दिन भाई भाई से भागेगा, माँ बेटे से भागेगी, बाप बेटे से भागेगा, मियां बीवी एक दूसरे से दूर भागेंगे, कोई किसी को नेकी देने को तैयार ना होगा। आज जो तुम्हारे नोटों को डिपॉजिट करवाने में, कल तक वो जो तेरा भाई था जिसके लिए तूने घर वालों को छोड़ दिया था, जिसके लिए तू रिश्तेदारों से दूर था, जिसके लिए तू मां-बाप पर तवज्जो नहीं देता था, आज तो कहता मेरे नोट जमा कर लो, वो कहता भाई मेरा अकाउंट तो पहले ही फुल हो गया, मेरे अकाउंट के अंदर तो जगह ही नहीं है। तो इस मौके पर कहीं ना कहीं इंसान को अपने सगे रिश्तेदारों की तरफ तवज्जो देने का मौका भी मिला कि आखिर में हमारे सगे भाई ने फोन करके कहा कि भाई तुम्हारा कारोबार बड़ा है, मेरा कारोबार छोटा है, अगर तुम परेशान हो तो मेरा अकाउंट खाली है, उसके अंदर तुम्हारी पेमेंट डाल लेना। अब्बा ने आकर कहा कि बेटे मेरा अकाउंट बहुत पुराना खुला हुआ था, इसके अंदर पेमेंट नहीं होगी, अगर तू परेशान है तो अपनी पेमेंट को यहां डालकर वाइट कर लेना। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इस्लाम ने, कुरान ने, बार बार कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इसीलिए इस्लाम ने मुंह बोले रिश्तों की कोई वकत और अहमियत नहीं रखी। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वो लोग जिनको, वो रिश्ते जिनको तुम मुंह बोले रिश्ते मानते हो उससे इस्लामी कोई अहकामात नहीं बदलते। भाई बोल देने से पर्दा खत्म नहीं हो जाता, बहन बोल देने से पर्दा खत्म नहीं हो जाता। अपने सगे रिश्तेदारों पर ध्यान दो, अपने मां बाप पर ध्यान दो, अपने अपने जो तुम्हारे घर के अंदर वो बुजुर्ग जो तुम्हारी एक नजर को तरसते हैं उन पर ध्यान दो। इस मंजर के अंदर कहीं ना कहीं हमें अपनों से वापस जोड़ दिया, अपनों की तरफ तवज्जो देने वाला बना दिया और कयामत का वो मंजर याद करा दिया कि सोचो उस दिन क्या होगा। आज ये नोटों पर तुम्हारी मदद नहीं कर रहे, अब इन दोस्तों के साथ रहकर अगर तू मुशरिक बन गया, अगर तू बिदती बन गया, तू तौहीद परस्त है, तेरे दोस्त कहते हैं चलो दरगाह का सफर करने जा रहे, तुम मत जाना साथ में चल चलो, उनके साथ जब तूने शिर्क के रास्ते को अपनाया, बिदत के रास्ते को अपनाया, वो सिगरेट पीते तू सिगरेट पीने लगा, वो तमाकू खाते तू खाने लगा, वो हराम करते तू करने लगा, ये सारे के सारे कयामत के दिन तेरा हाथ छोड़ देंगे। तू ये नहीं कह सकेगा अल्लाह इनकी वजह से मैं गुनहगार हुआ, अल्लाह इनकी वजह से मैंने गलत किया, क्योंकि उस दिन तो तेरे मां बाप भी तुझे एक नेकी नहीं देंगे। क्या ये उज्र तेरे लिए काफी हो जाएगा
क्या ये कहना तेरे लिए काफी हो जाएगा कि अल्लाह ताला मैंने नहीं किया, इन लोगों ने करवाया था। इस मंजर के अंदर कहीं ना कहीं हमें अपने नफ्स के बारे में सोचने का एक मौका भी मिला कि असल में काम आना है तो अभी से तैयारी करना पड़ेगी। अचानक कल क्या हो जाए मैं नहीं जानता, अचानक क्या मंजर बदल जाए मैं नहीं जानता। तीसरा सवाल, 8 बजे के पहले मेरे जो लाखों रुपए के बंडल थे वो अचानक सारे जाया हो गए, यानी कल तक जो मेरा माल था, मेरी दौलत थी, मेरा इतना बड़ा सरमाया मैंने जमा करके रखा था, 1000 की गड्डी अलग, 500 की गड्डी अलग, इतने रुपए जो मैंने अपनी सेविंग करके रखी थी कि आगे काम आएंगे, परेशानियों में इस्तेमाल करूंगा, अचानक वो मेरी सारी सेविंग जाया हो गई, बेकार हो गई, बेमाना हो गई। इस मंजर को भी कयामत के अंदर रखकर देखो कि मैं नेकियों का अंबार लेकर जाऊं, नमाजों का मेरे पास ढेर होगा, रोजे मेरे पास बहुत ज्यादा होंगे, हज मैं करके आया, उम्रे मैं करके आया, नेक आमाल लेकर जाऊंगा, लेकिन मेरी बदआमालियों की बुनियाद पर अगर अल्लाह ताला मेरे उन आमाल को जाया कर देगा, अल्लाह के अजाब से मुझे कौन बचाएगा। आज मेरे चंद नोट जाया हो गए, मैं परेशान हो गया, क्या मैंने कभी अपने आमाल के बारे में गौर करा कि अल्लाह ताला मेरे आमाल को अगर जाया कर देगा अल्लाह के अजाब से मुझे कौन बचाएगा। सही मुस्लिम की रिवायत, सैयद मुरसलीन का फरमान कि मन कानत लहू मदलमतुन लियाखीही उर्दही फलयतहललहा मिन साहिबिही क़ब्ल अन यातिया यौम فَلَا يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ وَالدَّرَاهِمْ وَلَكِنَّهَا بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِّلَ عَلَيْهِ۔ سید المرسلین کا فرمان کہ اے لوگوں سنو، اگر تم میں سے کسی نے کسی کے مال پر ظلم کیا ہے، دھوکے سے مال چھین لیا، بہن کے حصے پر قبضہ کر لیا، حرام طریقے سے مال کما لیا، تجارت کے اندر دھوکہ دے کر مال کما لیا، یعنی کسی بھی طریقے سے اگر تم نے کسی کے مال پر ظلم کیا ہے، اور اسی طریقے سے اگر تم نے کسی کی عزت پر ظلم کیا ہے، اس کی غیبت کر کے، چغل خوری کر کے، حسد کر کے، کینا کپٹ کر کے، اس کے خلاف پیٹ پیچھے باتیں کر کے، اگر تم نے کسی بھی طریقے سے مال اور عزت پر حملہ کیا ہے تو اس دن کے آنے کے پہلے اسے جا کر معافی مانگ لو، اسے ختم کروا لو کہ جب قیامت کا دن آئے گا بدلہ دینے کے لیے تمہارے پاس دینار اور درہم نہیں ہوں گے، تم اعمال نامے کو لے کر جاؤ گے، جیسے کہ آج تمہارے پاس نوٹوں کے بنڈل تھے اور تم سکون کے اندر تھے، اس دن ویسے ہی تم اعمال کے بنڈل لے کر جاؤ گے، اعمال نامے کے اندر نیکیاں بھر کر کر جاؤ گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوگے۔ رب العالمین کہتا ہے کہ دنیا میں معافی مانگ لو، نہیں تو قیامت کے دن کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں میدان محشر میں کھڑا کرے گا، فیصلے کے لیے لایا جائے گا، تم خوشی میں ہوگے، میرے پاس تو نمازیں ہیں، میں 30 سال کا نمازی، میں 40 سال کا روزے دار، 10 تو میں نے عمرے کر لیے، 4 تو میں نے حج کر لیے، میں زکات کا دینے والا، میں صدقے کا کرنے والا، یہ سارے اعمال لے کر تم اللہ رب العالمین کے سامنے جاؤ گے، فیصلے کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے والا ہوگا۔ اب رب العالمین کے سامنے جب تم پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا بلاؤ ان لوگوں کو جن کی یہ غیبت کیا کرتا تھا، بلاؤ ان لوگوں کو جن کی یہ چغل خوری کیا کرتا تھا، بلاؤ ان لوگوں کو جن کے خلاف یہ غلط جملے استعمال کیا کرتا تھا، سب کو لایا جائے گا۔ اب اس دن فیصلہ جب رب کرے گا، نہ دینے کے لیے دینار ہوں گے نہ درہم ہوگا، اعمال نامہ جو تیرا نیکیوں سے بھرا ہوگا، رب العالمین کہے گا کہ نکالو جتنی یہ غیبتیں کرتا تھا، اسے اس کی نمازیں دے دو، اسے اس کا روزہ دے دو، اسے اس کا حج دے دو، اسے اس کا عمرہ دے دو، آخر یہ وقت آئے گا کہ تیرا اعمال نامہ خالی ہو جائے گا، وہ نیکیاں جسے تو لے کر اللہ کے سامنے جانے میں خوش تھا کہ اللہ مجھے جنت دے گا، وہ ساری نیکیاں ایک وقت میں ضائع ہو جائیں گے اور اللہ کہے گا اسے جہنم میں ڈال دو، اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ ابھی عمل کا وقت ہے، ابھی معافی مانگ لو، کیونکہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب حساب ہوگا تو اگر نیکیاں ہیں تو پھر بھی تم کچھ تو دے سکو گے، لیکن ہم جیسے لوگ کہ جن کی نیکیاں ویسے ہی کم رہتی ہے، رمضان کے اندر پہلی صف میں وہ لوگ جو بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ حافظ صاحب قرآن ذرا زیادہ لمبی ہو گئی ہے، تھوڑی چھوٹی کر لیجئے، حافظ صاحب آج اتنی چھوٹی تراویح پڑھا دی، ذرا لمبی تراویح پڑھائی ہے، یعنی عام دنوں کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر نفل میں جھگڑا کرنے والے رمضان کے ختم ہوتے ہی فرض میں نظر نہیں آتے، وہ لوگ کے جن کی فرض عبادتیں کم، فرض روزے کم، فرض معمولات کم، اگر اعمال میں بھی کمی، اور وہ بندہ جب جائے گا تو اللہ فرشتے کہیں گے اللہ اسے کیا بدلہ دیا جائے، اس کے پاس تو ویسے ہی عمل کم ہے، تو کہا جائے گا جن جن کی غیبتیں کرتا تھا ان تمام کے گناہوں کو اٹھا اور اس کے اوپر لاد دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا، اللہ تعالیٰ عادل ہے،
अल्लाह ताला सही फैसला करने वाला है। सोचो आज जरा से दो नोट के जाया होने पर इतना टेंशन है, कल जब अल्लाह के सामने अगर सारे अमल जाया हो गए, बताओ अल्लाह के अजाब से कौन बचाएगा। 50 रिवायत के अंदर, कुरान की आयतों के अंदर बार बार हमें यह हुक्म दिया गया कि अमल के बारे में फिक्र कर, अमल के बारे में गौर कर, क्योंकि अगर यह अमल जाया हो गया अल्लाह ताला के अजाब से तुझे कौन बचाएगा। चौथा सवाल, वजीर आजम ने जब यह ऐलान किया कि 500 और 1000 का नोट आज से बंद, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि लोगों की ब्लैक मनी को बाहर निकालना है। लोगों ने ब्लैक मनी जो जमा करके रखी है, वो मनी जिसका ये लोग टैक्स नहीं देते हैं, वो मनी जिसका ये हिसाब नहीं देते हैं, वो सारी ब्लैक मनी को आउट करना है, इसलिए हम 500 और 1000 के नोट को बंद कर रहे हैं। गौर कीजिए, यह है वजीर आजम का ऐलान, उसके चेक करने वाले नुमाइंदे भी मौजूद इनकम टैक्स के अंदर, उसके नुमाइंदे भी मौजूद जो उसे चेक करेंगे, लेकिन फिर भी लोगों ने गलियां निकालना शुरू कर दी। इतने परसेंट पे चेंज हो जाएगा, उतने परसेंट पर ये हो जाएगा, यानी दुनिया के मामलात के अंदर कहीं ना कहीं गुंजाइश है कि अभी भी आप अपने काले पैसे को सफेद कर सकते हो, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हो गलियां ढूंढकर, लेकिन बताओ अल्लाह ताला के सामने जब काले आमाल खोले जाएंगे क्या तुम उसे छुपा पाओगे। अल्लाह ताला जब छुपे हुए आमाल का हिसाब लेना शुरू करेगा, आज ब्लैक मनी को तुम छुपा सकते हो क्योंकि वजीर आजम तुम्हें हर जगह देखने वाला नहीं, लेकिन वो रब जिसकी हम परस्तिश करते हैं, वो रब जिसके आगे हम झुकते हैं, वो रब जिसके आगे हम इबादतें करते हैं, मेरे दिल का हाल, मेरे अकेले के गुनाह, मेरे दिखाए गए गुनाह, मेरे छुपाए गए गुनाह, वो रब तो मेरे सारे काले आमाल को जानने वाला है। बताओ अगर वो अल्लाह खोलने पर आ गया तो अल्लाह के हिसाब से कौन बचाएगा। रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर कहता है वउदी अल किताब فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها। कि जब रब العالمين मुजरिमों को सफ के अंदर खड़ा करेगा, जुर्म करने वाले, गुनाह करने वाले, हमारा आज का वो नौजवान जो मोबाइल के अंदर हराम चीजें देखता है, डरता नहीं, ना अम्मा देख रही, ना अब्बा देख रहे, ना भाई देख रहे, ना बहन देख रही, अकेले में कर रहा हूं, कौन देख रहा, उन लोगों के लिए ये मसाला, ये नोटबंदी का मसाला कहीं ना कहीं सीखने वाली चीज है कि ब्लैक मनी छुपा लोगे, लेकिन क्या अल्लाह के सामने अपने ब्लैक अमल को छुपा पाओगे, वो अमल जो तुम छुपा कर करते हो, क्योंकि वो रब अपने बारे में कहता है कि अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तू कहे ना कहे वो तो तेरे सीने के हाल को जानने वाला है, तू उससे क्या छुपा सकता है, तू क्या उससे मख्फी कर सकता है। वो रब्बुल आलमीन कुरान में नक्शा खींचता है वतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, कि कयामत के तुम देखोगे कि जब अल्लाह ताला की तरफ से आमाल नामों को खोला जाएगा ना, नेकी और बदी के सहीफों को खोला जाएगा ना, तुम देखोगे कि मुजरिम उस दिन क्या कहेगा, मुजरिम उस दिन मुशफिकीन मिम्मा फी, अपने आमाल नामे को देखकर डर जाएगा, घबरा जाएगा, दहशत के अंदर आ जाएगा और क्या कहेगा, वा या वही लतना माल हादल किताब, हाय मेरी बर्बादी, इस किताब को क्या हो गया है, ला युगा भीरु सही रतन वाला कभी रतन इल्ला हसा, ए अल्लाह इस किताब को क्या हो गया, ए अल्लाह इस आमाल नामे को क्या हो गया, इसने तो छोटे छोटे गुनाहों को भी लिख दिया है, ए अल्लाह इसने तो बड़े बड़े गुनाहों को लिख दिया है, ए अल्लाह मेरा इतना जुर्म, ए अल्लाह मेरे इतने गुनाह, अगर माफ न करेगा तो मुझे जन्नत के अंदर कौन जगह देगा। उस दिन आमाल नामों को तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया जाएगा, फमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि उस दिन रब्बुल आलमीन जब तुम्हारे काले आमाल को जाहिर करेगा, जर्रे के बराबर अगर तुमने नेकी की होगी तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया जाएगा, जर्रे के बराबर अगर तुमने भलाई का काम किया होगा तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया जाएगा। अरे क्यों, रब्बुल आलमीन ने बार बार कुरान के अंदर हमें इस चीज की तरफ निशानदेही करते हुए इरशाद फरमाया कि तो अमल तो अमल, अपनी जबान से बोले गए जुमलों के बारे में सोचा करो, क्योंकि रब का फरमान है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, ए बंदे मोमिन, ए इंसान, तेरी जबान से जब कोई जुमला कोई हर्फ भी निकलता है तो अल्लाह की तरफ से लिखने वाले तेरे हर्फों को भी लिख रहे हैं, तेरे जुमलों को भी लिख रहे हैं, तेरी बातों को भी लिख रहे हैं। आज तू अपना काला धन ब्लैक मनी छुपा सकता है, लेकिन अल्लाह के सामने तेरा काला अमल छुपने वाला नहीं, तेरी बुराइयां छुपने वाली नहीं, तेरे गुनाह छुपने वाले नहीं। तू इस दिल के अंदर कितना कीना लेकर घूमता है, वो भाई जाने न जाने जिसके लिए तू कीना रखता है, लेकिन अल्लाह तो जानता है ना, वो भाई कि जिसको तू गिराने की साजिशें करता है, जिसके बिजनेस को बर्बाद करने की साजिशें करता है, जिसके बेटे या बेटी के रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश करता है और उसके सामने मीठा बनकर
کراتا ہے, وہ جانے نہ جانے اللہ تو تیرے سینے کے حال کو جاننے والا ہے نا. ارے وہ رب کہ جس کی پرستش ہم کرتے ہیں وہ تو خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ تمہارا رب تو وہ اللہ ہے, تمہارا معبود تو وہ ہے, تمہارا خالق تو وہ ہے, کہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر اگر کالی چیٹی چلتی ہے وہ رب اندھیرے میں اس کے چلنے کو بھی دیکھتا ہے اور چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے. کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, سورہ مجادلہ کا شان نزول پڑھیے, کہ وہ کالے اعمال کو کیسے ظاہر کر سکتا ہے, وہ کیسا سننے والا ہے, وہ کیسا علم والا ہے, وہ کیسا جاننے والا ہے. کہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میں کمرے کے اندر آپ کے ساتھ بیٹھی تھی, چھوٹا سا ہمارا کمرہ ہے, ہم کمرے کے اندر بیٹھے ہیں, ایک خاتون نے آ کر سوال کیا, اے سید المرسلین آپ سے کچھ سوال پوچھنا ہے لیکن اکیلے کے اندر بات کروں گی, ان کے سامنے بات نہیں کروں گی. آپ کمرے کے کونے کے اندر چلے گئے, اس عورت نے ایک سوال کیا, سوال کا جواب آپ کو پتا نہیں تھا, اللہ رب العالمین نے آسمان سے وحی اتار کر آپ کو جواب دیا. جیسے ہی وحی نازل ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ چلا کر کہتی ہے, سبحان اللہ, اے اللہ تو بابرکت ہے, اے اللہ تو بزرگی والا ہے, اے اللہ تو علم والا ہے, اے اللہ تو سننے والا ہے, میں کمرے کے اندر بیٹھ کر ان کی آواز کو نہیں سن پا رہی تھی, تو نے ساتھ آسمان پر سن بھی لیا اور جواب بھی دے دیا. وہ کیا کالے اعمال کو ظاہر نہیں کر سکتا؟ کیا وہ میری برائیوں کو دکھا نہیں سکتا؟ ارے میں سماج کے سامنے شریف بن کر آتا ہوں, وائٹ بن کر آتا ہوں, اچھا بن کر آتا ہوں, لوگ مجھے عزت دیتے ہیں, لوگ مجھے بڑا سمجھتے ہیں, لیکن اکیلے میں میرے اعمال کتنے گندے ہیں. کبھی ایک بار غور کر کے دیکھو, کبھی ایک بار سوچ کر دیکھو, کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کے سامنے اگر میں کھڑا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے, اگر میں اللہ کے سامنے جاؤں تو اللہ تعالیٰ فیصلے میں میرے لیے آسانیاں کر دے؟ یقیناً نہیں. اپنے کالے اعمال کے بارے میں غور کرو. ارے یہ دو نوٹوں کا بند ہونا تو دنیا کا چھوٹا سا مسئلہ ہے, مہینے دو مہینے کے اندر حل ہو جائے گا, لیکن بتاؤ اللہ رب العالمین جب حساب کرے گا اس کے عذاب سے بچانے والا کون ہوگا؟ پانچواں سوال, وزیر اعظم نے 8 تاریخ کو جب نوٹوں کو بند کیا تو ایک ساتھ میں اعلان کیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کو 50 دن کا ٹائم دے رہے ہیں. 50 ڈیز, کتنے دن؟ 50 دن کا ٹائم ہے, 30 دسمبر تک آپ اپنے نوٹوں کو ڈاک گھر اور بینکوں کے اندر جا کر چینج کروا سکتے ہیں. کتنے دن کا ٹائم دیا؟ 50 دن کا ٹائم دیا. لیکن کیا موت ہمیں ٹائم دینے والی ہے؟ یہاں 50 دن کا ٹائم ہے. اگر آپ کا پیسہ حلال کا ہے, محنت کا ہے, ٹیکس پیڈ ہے, تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. 50 دن کے اندر آپ اپنے پیسے کو لے جا کر جمع کرو اور بدلوا لو. لیکن اللہ رب العالمین ہماری موت کے بارے میں, ہماری آخرت تو موت ہے, موت آ گئی, آخرت شروع ہو گئی. رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا جَاجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, کہ اے بندہ مومن جب تیری موت کا وقت آ جائے گا ایک کے پیچھے نہیں جائے گا. 50 دن, 40 دن, 30 دن, 20 دن, 10 دن, 1 دن, کچھ نہیں. جب موت کا وقت آئے گا ایک لمحہ نہ آگے جائے گا نہ پیچھے جائے گا. بتاؤ میری کتنی تیاری ہے؟ یہاں 50 دن کا ٹائم ہے میرے پاس, میں چینج کروا سکتا ہوں, لیکن موت کیا مجھے وقت دینے والی ہے؟ وہ موت کے جو ایک سچائی ہے, وہ موت کے جس کے بارے میں رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ موت تمہیں آ پکڑے گی, ولو کنتم فی بروج مشیدہ, چاہے اپنے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر قید بھی کر لو, موت سے تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے, مرنے سے کوئی بچ نہیں سکتا. وہ فرعون جس کی سطح تھی, وہ فرعون جس کی حکومت تھی, وہ فرعون جو وقت کا بادشاہ تھا, وہ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بڑا رب ہوں, وہ پانی میں ڈوبنے سے خود کو بچا پایا؟ وہ شداد کہ جس نے دنیا کے اندر جنت کو بنایا تھا, کیا وہ اپنی موت کو روک پایا؟ وہ بڑے بڑے بادشاہ, وہ بڑے بڑے لیڈر, وہ بڑے بڑے ذمہ دار کہ جن کو لگتا تھا کہ ہم سے یہ شہر چلتا ہے, کیا وہ اپنی موت کو روک پائے؟ ارے پہلے ایسا ہوتا تھا, میں اکثر یہ بات اپنے خطبوں کے اندر کہتا ہوں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ انتقال کی خبر آتی تھی, بھائی ہمارے پردادا کا انتقال ہو گیا, دادا کا انتقال ہو گیا, نانی بیمار تھی انتقال ہو گیا, بزرگی کے انتقال. لیکن اب جس دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں, اب انتقال کیسے ہوتے ہیں بھائی؟ نماز پڑھ کر میرا چھوٹا بھائی گیا, ہارٹ اٹیک آ گیا, برین ہیمریج ہو گیا, فالج ہو گیا, پیر میں لگی تھی ایسا انفیکشن ہوا کہ اسی میں انتقال ہو گیا, سر میں درد تھا اچانک انتقال ہو گیا, ارے بخار آیا تھا ایک دن کا بخار اور انتقال ہو گیا. اچانک کی موت ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں, نوٹ چینج کرنے میں 50 دن کا وقت ہے, لیکن موت تمہیں ایک منٹ کا وقت دینے والی نہیں. اتنے تیار رہو کہ اگر ابھی جمعہ کا وقت ہے, اللہ میں جمعہ پڑھنے آیا ہوں, میں اتنا تیار ہوں کہ ابھی اگر میری موت آ گئی میں انشاءاللہ کم سے کم تیرے سامنے کھڑا تو ہو سکوں گا. اللہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہیں, اللہ میرا پڑوسی مجھ سے خوش ہے,
अल्लाह मैंने बंदों के हुकूक पूरा करने की पूरी कोशिश की है, अल्लाह मैं फजर तक की नमाज पढ़ के आया हूँ, अल्लाह मैं नेकी के काम करके आया हूँ, अल्लाह मेरी जबान झूठ नहीं बोलती, अल्लाह मैं किसी को गालियां नहीं देता, अल्लाह मैं जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाता, ए इलाही, ए मौला, ए रब्बुल आलमीन, मरने से पहले, इसीलिए कहा गया ना कि मरने से पहले इतनी तैयारी करो कि अल्लाह के सामने खड़े हो सको, क्यों? क्योंकि तुम नहीं जानते कि मौत कब आने वाली है, यानी हर वक्त मौत के लिए तैयार रहो, हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हिसाब और किताब के लिए तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते मौत कब आने वाली है, तुम नहीं जानते फैसले का दिन कब आने वाला है। छठा सवाल, खुद मैं अपना मामला बताऊं, 8 तारीख को नोटबंदी हुई, नोट बंद हुए, 9 तारीख को मैं ऑफिस जाने के लिए सुबह रेडी हुआ, जेब में हमेशा पैसे होते थे, उस दिन भी जेब पर हाथ डाला, पैसे रखे हुए हैं, अचानक याद आया कि नहीं, रात को तो नोट बंद हो गए, जेब से नोट निकाल कर देखे, सारे 1000 के नोट रखे हुए हैं, बीच में 30 रुपए रखे हुए हैं जो आज इस्तेमाल हो सकते हैं, उसके अलावा ये सारे नोट बेकार, मैं किसी भी दुकान पर जाऊं मुझे सामान मिलने वाला नहीं है। उस वक्त रुककर मैंने ये सोचा कि अल्लाह मैं कल तक कितनी फिजूल खर्ची करता था, अल्लाह मेरे यहां जब शादी होती थी मैं शादी के पहले शाम मंगनी करूंगा, उसमें 800 लोगों का खाना होगा, शादी के वक्त मेरे घर में डीजे बजेगा, शादी के वक्त मेरे घर हल्दी का खाना होगा, मेरे घर बेटी का दहेज का भी इंतजाम होगा, मेरे घर दहेज भी आएगा, हर कदम पर मेरे नौजवान जो आजकल इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं फिजूल खर्ची कभी सोचते नहीं, मुझे जरूरत है 1 GB की, मैं रिचार्ज जब करवाता हूं 3 GB का रिचार्ज, मुझे जरूरत है 100 रुपए के नेट पैक की, मैं उससे ज्यादा का कराता, मुझे जरूरत है 200 रुपए के टॉक टाइम की, मैं उससे ज्यादा रिचार्ज कराता, क्या मैंने कभी सोचा कि अल्लाह ताला मेरे आमाल का हिसाब लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? फिजूल खर्ची, जिसने आज इस उम्मत को मार दिया है, जिसने आज इस उम्मत को मुर्दा बना दिया है, इस नोटबंदी ने कहीं ना कहीं हमें उस पैसे की अहमियत को भी बताया कि अल्लाह ताला तेरी कितनी बड़ी ये नेमत, पैसा मेरी जेब में था कि कल तक मैं जो चाहूं करूं, मैं सोचता नहीं था, आज 2 नोट बंद हुए मुझे एहसास हुआ कि कल तक मैं कितनी फिजूल खर्ची करता था, कल तक मैं कितनी हराम कारियां करता था। वो रब्बुल आलमीन ने कहा कि यकीनन फिजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है, शैतान के रास्ते पर चलने वाला होता है। गौर करो, मैं अपने निकाह पर कितनी फिजूल खर्ची करता, मैं अपने शादी ब्याह में कितनी फिजूल खर्चियां करता, मैं अपनी आप 24 घंटे की जिंदगी के अंदर जरूरत से ज्यादा कितना सामान इस्तेमाल करता जो मेरी जरूरत नहीं, स्टेटस के लिए, दिखावे के लिए मैं कितनी फिजूल खर्ची करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर मुझे उसके बारे में पूछेगा, क्या मैं अल्लाह ताला को हिसाब दे पाऊंगा? सातवां सवाल, कहा गया कि 2.5 लाख के ऊपर जो भी लोग अपने अकाउंट में पेमेंट डालेंगे उनका हिसाब किताब लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? हिसाब किताब लिया जाएगा, इनकम टैक्स वाले उनका हिसाब लेंगे। अच्छा, हमारे आमाल का हिसाब होगा कि नहीं होगा? ये तो 2.5 लाख का हिसाब है, हमारा रब कैसा हिसाब लेगा? एक मरतबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने उनका वाकया कि वो बड़ी भूख के आलम में थे, शिद्दत की भूख लगी हुई थी, घर से बाहर निकलते हैं, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला से मुलाकात होती है, उनके चेहरे पर भी भूख के आसार नजर आते हैं, कहते हैं आइए अबू बकर सिद्दीक। कुछ आगे बढ़ते हैं, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला से मुलाकात होती है, वो भी शिद्दत की भूख के अंदर नजर आते हैं। ये तीनों कायनात की सबसे अफजल शख्सियात, खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला और उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला, ये कायनात की 3 सबसे अफजल शख्सियात निकल जाते हैं मदीना के कुछ बाहर, एक बाग में पहुंचते हैं, वहां पर एक सहाबी देखते हैं कि कायनात की सबसे 3 अफजल शख्सियात आ रही है, अपने बाग के अंदर बुलाते हैं, उनके सामने प्यारी अच्छी सी खजूरें रखते हैं, पेट भरकर तीनों खजूर खाते हैं, ठंडा पानी लाकर देते हैं, अच्छी तरीके से पानी पीते हैं, और उसके बाद सैयदुल मुरसलीन एक जुमला कहते हैं जो आज आपके और हमारे लिए सोचने वाली बात है कि यहां तो एक बार अकाउंट में 2.5 लाख का हिसाब होगा, और वो अल्लाह ताला कैसा हिसाब लेने वाला है, मेरी तैयारी है कि नहीं। सैयदुल मुरसलीन क्या कह रहे हैं उन अबू बकर सिद्दीक को, कि जिनको खुद आपने कहा कि ए अबू बकर तू जन्नती है, तू जन्नती है, तू जन्नती है, ए उमर तू जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। अबू बकर और उमर को सैयदुल मुरसलीन क्या कह रहे हैं कि अबू बकर क्या सोचते हो, ये खजूर तुमने खा ली हिसाब खत्म, ये पानी तुमने पी लिया हिसाब खत्म, अबू बकर और उमर कयामत के दिन रब्बुल आलमीन एक एक नेमत के बारे में तुमसे सवाल करेगा, क्या तुम जवाब देने की ताकत रखते हो? अरे इनकम टैक्स वाला तो 2.5 लाख का हिसाब लेंगे, वो रब तो तेरे शऊर की उम्र से लेकर तेरे इंतकाल तक। सैयदुल मुरसलीन का फरमान सुनन तिर्मिजी की रिवायत है कि लन तजूल कदम इब्न आदम मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअलु अन खम्स, ये किसी इब्न आदम के कदम उसके रब के सामने से
हट ही नहीं सकते जब तक के पांच चीजों के बारे में सवाल ना कर दिया जाए। उसमें से दो चीज यही माल है कि अल्लाह माल के बारे में सवाल करेगा कि जब से शऊर की उम्र आई कहां कहां से कमाया और कहां कहां लगाया। एक एक रुपए का अल्लाह तुझसे हिसाब लेगा। बता अल्लाह के सामने तेरा झूठ चलेगा? अरे वो रब जो कुरान में कहता है कि रब्बुल आलमीन जब हिसाब लेने पर आएगा हमारी जबानों को तो पहले ताला लगा देगा। अल्यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, हम तेरे मुंह पर ताला लगा देंगे, तेरे हाथ से बात करेंगे, तेरे पैर से बात करेंगे। दूसरी आयत के अंदर कहा कि तुम्हारी चमड़ी तक तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। इंसान कहेगा ए मेरी चमड़ी, तू तो मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरे अपोजिट क्यों बात कर रही है? तो वो कहेगी अंतकना, ये हम इसलिए रहे क्योंकि अल्लाह ने हमें बोलने की ताकत दी है, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि हम सच बताएं। आज हमारा काम है हमें सच बताना पड़ेगा। तो रब्बुल आलमीन कयामत के दिन हर अमल का हिसाब लेगा, हर रुपये का हिसाब लेगा। इसलिए फिजूल खर्ची करने से पहले, हराम तरीके से माल को खर्च करने के पहले एक बार सोचो कि आज 2.5 लाख का हिसाब है, अल्लाह पूरी जिंदगी का हिसाब लेगा। अल्लाह जब हिसाब लेगा तो क्या मैं झूठ बोल पाऊंगा? क्या मैं टाल मटोल कर पाऊंगा? क्या मैं जबान को चला पाऊंगा? हरगिज नहीं। आठवां सवाल, नोटबंदी के पीछे एक बड़ी वजह यह बताई गई कि नोट इसलिए बंद किए जा रहे हैं क्योंकि मार्केट के अंदर नकली नोट बहुत ज्यादा चलने लगे। नोट सेम, कलर सेम, डिजाइन सेम, तार सेम, लेकिन एक के ऊपर गवर्नर का ऑर्डर है और एक के ऊपर गवर्नर का ऑर्डर मौजूद नहीं है। इसको भी हम दीन के तनाजुर में देखें, नमाज सेम, खड़े होने का तरीका सेम, रुकू सेम, सजदा सेम, लेकिन एक नमाज सैयदुल मुरसलीन ने पढ़ी और एक नहीं पढ़ी, जिसे हम बिदत कहते। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम के अंदर वही अमल कबूल करेगा जिस पर हुक्म अल्लाह का और तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लोग हमारे कहते हैं ना कि आप लोगों को बड़ी परेशानी है, शबे बारात में नमाज पढ़े आप कहते बिदत, हम रात जागे आप कहते बिदत, हम रोजा रखे आप कहते बिदत। हम ये कहते हैं कि जैसे नोट एक जैसे हैं लेकिन जब तक हुक्म मौजूद ना हो, एक अकली और एक असली और एक नकली हो जाता है, वैसे ही इस्लाम के अंदर नमाज कितनी अच्छी क्यों ना हो, अगर हुक्म मेरे नबी का मौजूद ना हो तो वह नकली हो जाएगा, अल्लाह उसे करने वाला। मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। अगर कोई इंसान ऐसा अमल करके आए जिसका हुक्म सैयदुल मुरसलीन ने नहीं दिया तो अल्लाह कहता है उसके हुक्म को, उसके अमल को उसके मुंह के ऊपर मार दिया जाएगा। सईद इब्ने मुसय्यब ताबईन के सरदार, एक मर्तबा असर के बाद मस्जिद में पहुंचे तो देखते हैं कि एक साथी असर के बाद नफिल नमाज पढ़ रहा है, जबकि हम जानते हैं कि असर के बाद नफिल नमाज पढ़ने से आपने मना फरमाया। अच्छा अमल, नमाज ही तो पढ़ रहे हैं, अच्छा ही अमल तो कर रहे हैं, बज़ाहिर बड़ी अच्छी चीज है, अच्छा अमल तो कर रहे हैं। सईद ने मुसय्यब ने आकर मना करा कि साथी नमाज मत पढ़ो। वो क्या कर रहा है? आर्ग्यूमेंट करता है। क्या जुमला कहता है? हल युअज़्ज़िबुल्लाहु अलस्सला, ए सईद ने मुसय्यब तुझे ये लगता है कि अल्लाह नमाज पढ़ने पर मुझे आजाद देगा? यानी नमाज पढ़ रहा है उसमें भी तुझे पढ़ रहा है, उसमें भी तुझे टेंशन है। अरे नमाज पढ़ने पर अल्लाह आजाद नहीं देगा। सईद ने मुसय्यब जवाब क्या देते हैं? मा युअज़्ज़िबकल्लाहु अलस्सला, ए मेरे साथी अल्लाह तुझे नमाज पढ़ने पर अजाब नहीं देगा, अल्लाह तुझे सुन्नत की खिलाफ वर्जी करने के ऊपर अजाब देगा। नमाज कितनी अच्छी क्यों ना हो, अल्लाह ताला के यहां पर क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चलती है। अल्लाह के क्वांटिटी नहीं चलती, कितनी पढ़कर आया अल्लाह ये नहीं पूछेगा, मेरे नबी के तरीके पर कितनी पढ़कर आया अल्लाह उसे ही कबूल करने वाला। क्योंकि वमा आताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, ये नबी चोगे वो दीन है उसे ले लो, और ये नबी जिससे रोक दे रुक जाओ, क्योंकि वो दीन हो ही नहीं सकता। कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर नबी ने वो रात नहीं जागी वो दीन नहीं हो सकती, अगर नबी ने वो रोजा नहीं रखा वो दीन नहीं हो सकता, अगर नबी ने वो नमाज नहीं पढ़ी वो नमाज नहीं हो सकती। क्योंकि जब दो नोटों में एक नकली और एक असली हो सकता, वैसे ही मेरे दीन के अंदर मेरे रब का फरमान और मेरे नबी का अमल यही सच्चा, इसके सामने कितना ही अच्छा करके ले आओ अल्लाह ताला कबूल करने वाला नहीं है। आखिरी बात पर अपनी बात खत्म करूंगा। नवी चीज कि हम लोग कल तक मालों को जमा करना हमारी जिंदगी था, मालों को जोड़ना हमारी जिंदगी था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इस चीज की तरफ भी हमारी निशानदेही की, अलहाकुम अत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तअलमून थुम्मा कल्ला सौफा तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम। ए लोगो, तुम्हें माल के जमा करने ने बर्बाद करके रख दिया। अलहाकुम अत्तकासुर, माल आ जाए इसमें तुम बर्बाद हो गए, यहां तक के तुम कब्रिस्तान पहुंच गए।
माल माल माल, हाय नफसी करते करते तुम मर गए, कब्रिस्तान तक पहुंच गए। फिर अल्लाह कहता है यकीनन तुम जान लोगे, तुम्हें पता चल जाएगा, यकीनन तुम जान लोगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला तुमसे कयामत के दिन नेमतों के बारे में सवाल करेगा। कल तक जो माल तूने जोड़ कर रखा, जिस माल को तूने दो नंबर एक नंबर कहीं से भी आया जमा करके रखा, गौर तो कर कि इंसान का माल कौन सा है। कहा सैयदुल मुरसलीन का फरमान के यतबाउल मय्यितु सलासतुन, कि जब इंसान मरता है मरने के बाद तीन चीजें उस मुर्दे के पीछे जाती है, एक उसके घर वाले, दूसरा उसका माल, तीसरा उसका अमल। दो चीजें लौट जाती है, औलाद भी लौट जाती, माल भी लौट जाता, साथ में क्या जाती, अमल जाता। माल कमाओ, यकीनन मेहनत करो, तिजारत करो, हर माल कमाओ, लेकिन माल उतना जो तुम्हें हराम की तरफ ना लेकर जाए, माल उतना जो तुम्हें गलत की तरफ लेकर ना जाए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हराम को कबूल करने वाला नहीं, अल्लाह ताला हलाल को कबूल करने वाला है। और एक आखिरी चीज, इस दौर के अंदर कई हमारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो एक गलत धंधे के अंदर फंस गए हैं। आखिरी चीज कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, कई हमारे मुस्लिम भाई भी ये अमल कर रहे हैं कि मेरे अकाउंट के अंदर जगह है, आपने कहा मैंने 1 लाख आपसे ले लिया, 80,000 आपको बदल के दे दिए। ये सरासर सूद, ब्याज और इंटरेस्ट है। एक मुसलमान के लिए जायज नहीं कि पैसे के बदले पैसे को कम या ज्यादा करके दे। यकीनन ये इस्तेमाल यकीनन अच्छा नजर आ रहा है, शैतान ने मुजयन भी कर दिया है, शैतान ने पैकेट भी अच्छा लगा दिया है, लेकिन एक मोमिन के लिए आखिरत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अल्लाह के लिए सूद के कारोबार से भी बचो। और मुख्तसर सी जो बातें मैंने नोटबंदी के सिलसिले में आखिरत से जोड़कर की, अल्लाह से दुआ इलाही है मौला रब्बुल आलमीन, जो बातें मैंने यहां पर की उन तमाम बातों पर सबसे पहले खुद मुझे और तमाम सुनने वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। इलाही है मौला रब्बुल आलमीन, तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह खताओं को माफ फरमा दे, अल्लाह लग्जिशों को माफ फरमा दे, अल्लाह छुपे हुए दिखे हुए सारे गुनाहों से हम तौबा करते हैं, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दे। इलाही मौला रब्बुल आलमीन जन्नत अल फिरदौस में जगह फरमा दे, अल्लाह अज़ाबे क़ब्र और अज़ाबे जहन्नम से निजात दे दे। इलाही जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, अल्लाह जो काफिरों की कैद में बेगुनाह भाई हैं उनकी रिहाई के रास्ते खोल दे, अल्लाह हमारे सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कर दे, अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे, अल्लाह दिलों से हसद कीना कपट बुग़्ज़ और इनाद को निकाल दे, अल्लाह हमें एक जान बना दे, अल्लाह हमें एक सफ बना दे, अल्लाह दुश्मन ताकतें जो मुसलमानों के खिलाफ चारों तरफ से जमा हो गई है इलाही तू उनको बर्बाद करके रख दे, अल्लाह उनके इत्तेहाद को तोड़ कर रख दे, अल्लाह उनके असलाहों को बर्बाद करके रख दे, अल्लाह उनकी ताकतों को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करवा दे, इलाही आसमान से मदद नाजिल कर दे, अल्लाह मुसलमानों का नासिर और मददगार बन जा, इलाही जो बीमार है उनको बीमारियों से शिफाया भी दे दे, अल्लाह कर्ज की अदायगी की राहें खोल दे, अल्लाह हलाल कारोबार में खूब बरकत अता फरमा दे, अल्लाह हराम रिस्क से बचा ले, अल्लाह हराम रिस्क से बचा ले। इबादल्लाह रहमनी व रहमकुमुल्लाह, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر